नमस्ते एवरीवन, मेरी लास्ट जो फेस टैपिंग वाली वीडियो थी उसके नीचे और भी मेरी जो बाकी की वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उसमें मुझे बहुत भर भर के कमेंट्स आते हैं कि मेरी पफ़ी आईज़ कैसे ठीक हो गई। क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले आई थिंक मैंने पफ़ी आईज़ पे एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पफ़ी आईज़। और यू नो, ऐसे नीचे ऐसे बैग्स बन जाते हैं, अंडर आई बैग्स बन जाते हैं, जो देखने में ऐसे लगता है, आई मीन कोई आपको देखता है ना तो उसको ऐसे लगता है कि या तो आप ठीक से सोए नहीं हो या फिर आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे हो। और ख़ुद को भी जब हम अपने आप को शीशे में देखें तो हमारी खुद की आईज़ हमें ऐसी थकी थकी टायर्ड, जिसकी वजह से हम ओवरऑल फेस की जो रौनक है ना वो ख़त्म हो जाती है। सो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट। तो उसके ऊपर मैंने यू नो अंडर आई बैग्स के ऊपर और पफी आइज़ कह लो आप, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि ऑलरेडी चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के शेयर कर दूंगी अगर वो भी आप देखना चाहो। आज एक बहुत सिंपल टेक्निक आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि टैपिंग वीडियो बहुत लोगों को पसंद आई है, थैंक यू सो मच, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है पहली ही बार से। सो आज की टेक्निक भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, 3 ऐसे मसाजिंग स्टेप्स हैं जो आपके अंडर आई बैग्स या आप कह लें पफ़ी आईज़, जो ऐसे लगता है ना यहाँ हवा भर गई है या पानी भर गया है, उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। ये जो टेक्निक्स हैं आपको डेली सोने से पहले करनी है, हार्डली 3 मिनट का पूरा प्रोसेस है। सो 3 मिनट डेली करें, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1, गो। मेक श्योर कि आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद इस टेक्निक को करने से पहले आप कोई भी लुब्रिकेंट, चाहे जेल हो या क्रीम हो या ऑयल हो, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगा लें। मेरी ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, तो मैं यहाँ ऑर्गेनिक नेत्रा का फ्लैक्सीड जेल यूज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं ये प्रोसेस करूँगी उसी अकॉर्डिंग मैं ये जेल लेती जाऊंगी। तो अच्छे से मैंने एक लेयर अपने फेस पे लगा ली है और अपने बालों को फेस के पीछे कर लिया है। यहाँ जेल ले रही हूँ और अपने फिंगर्स के नकल्स पे लगा रही हूँ, और जहाँ चीक बोन्स आपकी ख़त्म होती है ना, आप आइडेंटिफाई करो आपकी चीक बोन्स कहाँ ख़त्म होती है। आधा चांद जैसे बनता है वैसे बोन का स्ट्रक्चर है, उस पॉइंट पे आपको अपने नकल्स के थ्रू सर्कुलर मोशन में आपको मूवमेंट करनी है। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप ये मूवमेंट 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए आप इसे चीक बोन्स के नीचे मूव करते करते बिल्कुल कान के पास ले जाएं। इससे क्या होगा, जो फ्लूइड हमारी आँखों के नीचे अंडर बैग में फंस जाता है उसकी मूवमेंट क्लियर होती है। स्टेप नंबर 2 में आपको बाल आप बांध लें और अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप यूज़ करेंगे। यहाँ अगेन मैंने जेल लिया है थोड़ा लुब्रिकेशन के लिए, और अपने ईयर को बीच में रखते हुए आपको दोनों फिंगर्स को अप एंड डाउन मूवमेंट में मूव करना है। अगेन 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए आप इसे कर सकते हैं। इससे जो हमारे स्किन में लिम्फैटिक ड्रेनेज होती है उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस, टॉक्सिन्स या फिर फ्लूइड, उसकी मूवमेंट को हम स्टिमुलेट करते हैं। इसको आपको दोनों साइड करना है 1-1 मिनट के लिए ईच, या आप एक ही बार में दोनों हाथ यूज़ करें और इसे दोनों साइड एक ही बार में कर लें। थर्ड जो स्टेप है ये है अराउंड द आई एरिया। यहाँ पे आपको अच्छे से जेल या क्रीम या ऑयल लगा लेनी है। ड्राई स्किन है तो आप ऑयल लगा लें, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ जेल। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को लेना है, जहाँ से आपकी आईज शुरू होती हैं उस कॉर्नर पर रखें, और अच्छा प्रेशर देते हुए उसे धीरे धीरे स्ट्रेच करें। एक एक पॉइंट जैसे आपको दिखा रही हूँ वैसे आप स्ट्रेच करते जाएं सर्कुलर मोशन में। सेंटर आँखों के कॉर्नर वाले सेंटर से शुरू किया, नाक के पास जो होता है,
और करते करते आप पूरा सर्कल कंप्लीट करें और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं। 3 से 4 बार आप इसे दोनों आँखों पर करेंगे। ध्यान रहे कि लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल या क्रीम या जेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सफिशेंट होना चाहिए, ज़्यादा ड्राई ना हो आपकी स्किन, क्योंकि हमें फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करनी है। प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है और ड्रैग करना है ताकि जो हमारा फ्लूइड जो अंडर आई बैग्स की तरह दिखता है उसकी मूवमेंट को हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये थी सिंपल सी 3 ऐसी टेक्निक। अगर आप इसे डेली रात को सोने से पहले करते हैं आपको विद इन 1 मंथ अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पफी आईज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आप सो जाएं, थोड़ा नमक कम खाएं अपने डाइट में और थोड़ी चीनी भी कम कर दें, पानी ज़्यादा पिएं। मेरी जो वीडियो मैंने एक बार पहले बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ पफी आईज के ऊपर, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।